खास तौर से मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल गर्व है कि मैं इस देश में अगर रहता हूँ आज, जो चारों तरफ से हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से हम आज सुरक्षित यहाँ पर हैं। और ये लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बदलने वाले की क्या एजुकेशन है पता नहीं, लेकिन जिन्होंने लिखा 32 डिग्रियों के मालिक पढ़े लिखे, उसके संविधान में इंटरफेरेंस करने की बात ऐसा है कि आसमान पे थूकना है। और हम इस संविधान का बहुत सम्मान करते हैं और बाबा साहब के इस 68 महापरिनिर्वाण दिवस पर हम अपनी तरफ से इनको श्रद्धांजलि देने आए और बहुत दिल से दुआएं इनके लिए है कि ऐसा ग्रेट इंसान जिसने समाज के दबे कुचलों की जबरदस्त लड़ाई लड़ी, शायद दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। आज इनके लिए दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर की लाइन लगी हुई है सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंसान थे ये, और हम सब लोगों को गर्व है ऐसे लोगों पर कि ऐसे लोगों के बनाए हुए संविधान में हम लोग रहते हैं। आप बोल रहे हैं कि जो संविधान बदलना चाहते थे, हालांकि जो महायुति या फिर एनडीए वो बोलती है कि ये फेक नैरेटिव था जो विधानसभा में नहीं चला। ये नैरेटिव नहीं था, इनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने ऐलान किया था कि चार अब की बार 400 पार कर दो तो हम संविधान बदल देंगे, ऐलान किया चिल्ला चिल्ला कर, समझा। अब दाल नहीं गली ना तो कह रहे ना कि बस क्या बोलते शर्माई बिल्ली, वो हालत है। इनको ताकत पूरी नहीं मिली, वरना ये संविधान की छेड़छाड़ करना चाहते हैं। आज दलितों का रिजर्वेशन पूरा खत्म हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने उनको रिजर्वेशन दिया जो समाज के दबे कुचले लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बेच करके इसमें कहाँ रिजर्वेशन बचा है। तो सबको जागना चाहिए, एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, एक बार इस देश के संविधान को बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो लोग इस देश के अंदर समाज के दबे कुचलों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, महायुति एक तरफ कहती है कि हम संविधान के मार्ग पर चलेंगे, तो क्या अब महाराष्ट्र को एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे की जरूरत है? अगर संविधान के मुताबिक चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि मेजॉरिटी चाहती है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बने, मेजॉरिटी चाहती है, संविधान नहीं चाहता। अगर मेजॉरिटी से फैसला होगा तो हम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, हमारे खिलाफ फैसला होगा। और ये 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमारिश क्यों की गई जानबूझकर कि हम संविधान को नहीं मानते, इसलिए उस दिन इन्होंने डिमोलिश किया था। मैं समझता हूँ कि महायुति का जो है ना मुंह में राम बगल में छुरी, बोलना कुछ है काम कुछ है। तो सर, महायुति का कल जो सरकार स्थापित हुई, शपथ विधि हुआ, उसमें एक भी विपक्ष का नेता नजर नहीं आया? क्या आपको निमंत्रण दिया गया था और विपक्ष का एक भी नेता नजर नहीं आना, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि विपक्ष ही कहाँ है, बहुत कम विपक्ष है। अब नहीं कोई क्यों नहीं गया, मैं तो था नहीं यहाँ पे, बाहर था मैं, इसलिए नहीं गया मैं। लेकिन अब वो चुन कर आए, उनको बधाई मुबारकबाद उनको। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हैं, हम उन्हीं के आइडियोलॉजी पर सरकार चलाएंगे, तो कम से कम कुछ लज्जा कीजिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को इस्तेमाल करते हैं तो उनके रास्ते पर चल के दिखाइए, तो मैं समझूँ कि हाँ। सर, मरकटवाड़ी जहाँ पर बैलेट पेपर पर चुनाव लेने की कोशिश की गई, वहाँ पर अब ऐलान किया गया है कि राहुल गांधी वहीं से जो है ईवीएम के खिलाफ लड़ाई अपनी शुरू करने वाले, क्या इसमें समाजवादी पार्टी या फिर अबू आजमी आप जो नेता है? देखिए, ऐसा है ना, ऐसा है कि अब मैंने एक पाकिस्तान का वीडियो देखा भी, एक कोई जिसने इलेक्शन का इंचार्ज था ऑफिसर, उसने कहा कि मुझे फांसी हो जाना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को हरा दिया जो 70,000 से चुन के आने वाले थे, उनको मैंने 70,000 से हरा दिया। हम लोगों ने बहुत गलत किया, हमको फांसी होना चाहिए। हम सुसाइड करना चाहते हैं, परंतु सुसाइड करना गुनाह है, पाप है, इसलिए हमें सजा दी जाए, चौराहे पे हमको फांसी दे दी जाए, हमने गलत काम किया है। तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी से कि उस आदमी को पकड़ो जो कह रहा है कैसे उसने हराया, कहीं वही टेक्निक यहाँ भी तो नहीं चल रही है। और मैं कहूँगा महायुति से कि अगर आप लोग सचमुच चुन कर आए हैं, इसमें कहीं भी ईवीएम का कुछ लेना देना नहीं है, तो एक बार आप कह दीजिए जोर से कि हाँ ईवीएम खतरा हटा दो, हम फिर भी इतने वोट से चुन कर आएंगे, तब मैं समझूं कि हाँ आप सच्चे इंसान हैं। सर, संबल का मुद्दा देखिए, नहीं देखिए ये बहुत गलत हो रहा है। अभी समझिए, जब एक बार 91 में एक लॉ बन गया तो फिर उसमें जो भी ये पूजा स्थल है जिसका है 1947 में जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। मैं इस देश की 140 करोड़ जनता से मांग करना चाहता हूँ
कि 91 का जो कानून है वो लागू होना चाहिए, जिसकी मंदिर है, जिसकी मस्जिद है, जिसका गिरजाघर है, जिसका गुरुद्वारा है, जिस तरह था 94% वैसे रहना चाहिए, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इनको लगता है महायुति को कि यही सब करने से चुनकर आ जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा भाई, हम तो कहते हैं जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, सेफ होंगे। तो इस तरह की बातें करके जनता में एक भ्रम पैदा करना, मैं समझता हूँ कि जो लोग भी धर्म को लाते हैं राजनीति में वो अच्छे आदमी नहीं होते। नहीं भाई, अदानी का मुद्दा है तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह से अगर किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मैं समझा कि बहुत ही निचले दर्जे की राजनीति है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने 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 पूजा स्थल पर रहना, उसमें इबादत करना, और ये देश धार्मिक देश है, हर आदमी को अपने धर्म से मोहब्बत है, उसके लिए मरने कटने को तैयार रहता है। तो सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे कि रोजाना सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटे। देश में भुखमरी है, देश कर से डूबा जा रहा है, देश के अंदर लोगों का काम नहीं है, हर बच्चा पैदा होने वाला 2,60,000 का कर्जदार है। इस पर सोचे, इस पर बात करो तो मैं समझूं कोई अच्छी बात हो रही है। मस्जिद का लॉरी स्पीकर उतार देंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे, मस्जिद के नीचे हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसी चीजों से परहेज होना चाहिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।